जल्दी चले जाओ, जितना खींचेगा ना। कटर ले जाओ। चलो कोई नहीं, चलने दे। काफी दूर भागा उसके पीछे, पर नहीं हाथ नहीं आया। बाद में पता नहीं चला कि कौन सी लोकेशन में गया। अगर आपको भी मेरी तरह बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो अपने लिए टोफू जैसा कोई दोस्त ढूंढ लीजिए और उससे थोड़ी सी गर्मी उधार ले लीजिए। यार सुबह से इतने कॉल्स आ रहे हैं रेस्क्यूज के लिए, एंड लाइक हाल ही में हमारे 3 अडॉप्शन हुए हैं, तो वैसे तो हमारी जगह काफी बन गई है। तो आज ही के दिन में हम लाइक 3 डॉग रेस्क्यूज, 1 बुल रेस्क्यू कर रहे हैं, तो लाइक आज बिल्कुल भी टाइम नहीं, इट्स क्रेजी। अभी हमारी टीम गगल की तरफ जा रही है, वहाँ एक पिट ट्रैप का केस है, डॉग फंसा हुआ है पिट ट्रैप में। 3 दिन पहले भी इसको पकड़ने गए थे लेकिन वो बहुत तेज था, भाग गया, पकड़ में नहीं आया। और आज हमें फिर कॉल आई है कि डॉग वहीं पे देखा गया है, तो अभी हम तुरंत निकल रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। 3 नेट और 3 लोग हम साथ में भेज रहे हैं ताकि इस बार कोई चूक का चांस ना। 2 लोग आप इधर से जाओ ना। ठीक है, मैं इधर से आता हूं। अभी इसके पैर से ये ट्रैप हमने निकाला है, काफी ज्यादा पेन में था डॉग। अच्छी बात है कि उसकी हड्डी पूरी तरीके से डैमेज नहीं हुई है, सिर्फ मसल डैमेज हुआ है, इसलिए अभी सिर्फ उसका रेगुलर ट्रीटमेंट ड्रेसिंग विद एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स चलेगा। ये मोमो की बनाने वाला बर्तन जैसा क्या है ये? इस बर्तन में हम अपना जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करते हैं। जब इसमें जो भी हमने अपने इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव करने होते हैं हम इसमें पैक करके रखते हैं, फिर इसे हम वहाँ पे रखते हैं। जब मैं शुरुआती तौर पे मुझे ये पता नहीं था कि ये बड़ा कुकर है जिसमें एनिमल एरिया के लिए चावल बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें सीटी भी बजती है, बट फिर पता चला कि इसमें तो औजार स्टरलाइज होते हैं। पिछले 1-2 दिनों से टोफू अग्रेसिव बिहेव कर रही थी अचानक से। जब डॉक्टर से इस बारे में बात हुई तो हमें पता चला कि इसका पहला हीट पीरियड चल रहा है, जिसकी वजह से इसको बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं। अभी जो हमारे पास अनकास्टेटेड बुल है उनसे इसको अलग रखा जाए। गायों में ऐसा होता है कि एवरेज 21 डेज के बाद हीट पीरियड रिपीट होता है, तो हमें उस समय थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। झरोका जिसे हमने बैजनाथ से रेस्क्यू किया था, प्रेग्नेंट भी थी और उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था निचले हिस्से में। इस हफ्ते वो 2-3 बार गिरी फिसलने की वजह से। हमने नेक्स्ट डे उसको हॉइस्ट पे लगा के उसकी मसाज वगैरह करने की कोशिश की, काफ़ी देर उसका ट्रीटमेंट चलाया, फ्लूइड थेरेपी चलाई, चेकअप किया प्रॉपर, तो पता चला कि बच्चे की डेथ अंदर ही हो चुकी है गिरने की वजह से। उसका हिप बोन भी पूरी तरीके से टूट चुका था। ट्रीटमेंट्स वगैरह किए, थोड़ी देर बाद जाके जब देखा तब उसकी डेथ हो चुकी थी। रमन कुमार जी ने हमें कल कॉल किया था कांगड़ा से एक पपी के लिए। जब उन्होंने हमें वीडियो सेंड किया तो डॉक्टर को लगा कि शायद से उसके रिब की हड्डी जो है वो उसकी स्किन से बाहर की तरफ निकल गई है, तो हमने उसके लिए रेस्क्यू टीम भेजा हमारा। लेकिन जब उसको हम लेके आए तो उसकी डायग्नोसिस हुई। एग्जामिन करने के बाद हमें ये पता लगा है कि उसका मसल टियर हुआ है, चोट लगने की वजह से या मारने की वजह से हो सकता है कि मसल टियर हुआ हो। जो इन्फ्लेम्ड मसल है वो 2-3 दिन में वापस नॉर्मल मसल्स की तरह हो जाएगी और फिर उसके बाद हम उसको सूचर करेंगे। किसी रीज़न से मैं इसे बेटी बेगैरत बुलाती हूँ क्योंकि इसको प्यार ज़रा भी नहीं पचता है। मैं इसको अगर प्यार करूँ तो ये मुझे मारने आती है। इस बैल को पुराना मटोर से रेस्क्यू किया है, इसके लिए वंश जी ने हमें कॉल किया था। इसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इसका एक हॉर्न टूटा हुआ है, काफी ज्यादा पेन में था और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। एंटीबायोटिक्स और इसके पेन किलर स्टार्ट किए हैं और ब्लीडिंग रोकने के लिए भी इंजेक्शन दिए गए हैं। हॉर्न को कम्प्लीटली पैक कर दिया है ताकि किसी भी टाइप का इन्फेक्शन इसके हॉर्न में ना पहुंचे। रिलीज जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक हम इसकी बैंडेजिंग ओपन नहीं करेंगे। आज हमारे दूल्हे राजा जी रिलीज हो रहे हैं, ये आए थे हमारे पास धर्मशाला से। और जब ये आए थे तो इनके जो पिछला एक खुर है इसमें मैगेट वुंड था बहुत बड़ा। इसका घाव काफी जल्दी ठीक हो गया क्योंकि रेगुलर इसकी 2 टाइम ड्रेसिंग हो रही थी। पूरी तरीके से मैगेट्स भी हट गए हैं, घाव भी पूरा भर चुका है, अब इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी चरण दास की होने वाली सर्जरी, इसकी जो सर्जरी है वो प्राउड फ्लैश के लिए हो रही है। प्राउड फ्लैश जो है वो एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, कोड़े में बहुत कॉमनली और खासकर लोअर लिम में ही पाया जाता है ये प्रॉब्लम। कभी भी कोई चोट लगती है, कोई भी फैक्टर जो कि डिसरप्ट करता है नॉर्मल हीलिंग को, एक्स्ट्रा जो हीलिंग टिश्यू है उस जगह पे इकट्ठा होने लग जाता है, अंडरनीथ जो हीलिंग है उसे डिसरप्ट करता है, तो फिर ये जो वुंड है वो वैसा का वैसा ही रहता है और हील नहीं होता है। जितना भी एक्स्ट्रा ये ग्रैनुलेशन टिश्यू है इसे हम रिमूव करेंगे और उसके बाद इसकी डेली बैंडेजिंग होगी। ये बहुत ही सुंदर सा डॉग आया है हमारे क्लिनिक पे। इसके लिए रिकी मेहता ने फोन किया था हमें जमानाबाद से। उसके अगली टांग में एक चोट लगी है, गहरा घाव लग रहा था, ऊपर से उसकी स्किन भी पील ऑफ हो रखी थी। एग्जामिन करने के बाद हमें पता चला कि उसको फ्रैक्चर नहीं है लेकिन उसके मसल्स में इन्फेक्शन काफी फैल गया था और पस भी निकल रही थी। अभी हमने उसकी बैंडेजिंग स्टार्ट कर दी है और साथ ही साथ हमने उसके एंटीबायोटिक्स और
पेन किलर स्टार्ट कर दी। चरणदास भाई साहब की सर्जरी हो गई है, ये फुल ऑन वापस अपने मारने वाले मोड में आ गए हैं। लग नहीं रहा कि इसको टांग में कोई दर्द वर्द है। दरोग का केस है और इसकी उम्र है, फीमेल डॉग है। तो एक साल पहले देखा था इसको, दो तीन महीना है, कहीं और जगह भी भेजा था पर वहां से ठीक होके नहीं आई। दो चार महीने के बाद आज ये देखा यहाँ पे। जो डॉग थी उसको बहुत सीवियर टीवीटी था, ग्लैंड्स भी वजाइनल एरिया से बाहर आ गए थे, बहुत ज्यादा मैगेट्स भी थे टीवीटी में। दो दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद हमें पता चला कि उसको बहुत सीवियर पार्वो भी है। पार्वो के ट्रीटमेंट के दौरान ही उसकी डेथ हो गई है। निर्मल अभी अभी ये कोई तो शख्स दिखे है यहाँ पे अननोन। मेरा नाम पांशुल है और मैं आगरा से आया हूँ और मैं यहाँ भी वॉलंटियर कर रहा हूँ। तो बहुत सारी अल्कोहल की बॉटल्स है, ये आपकी है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी नहीं है। हम लोगों ने बॉटल्स कलेक्ट करी है आसपास के मार्केट से, हम पुरानी बॉटल्स को क्लीनली सैनिटाइज करके और उसी में कम्बुचा भर के दे रहे हैं, तो ये अपसाइक्लिंग का एक पार्ट है। शिवानी, हमारे जो पीपल फार्म के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे ऑडियंस को कैसे हेल्प कर रहे हैं? सारी रेसिपीज हम अपने YouTube चैनल पे डालते हैं, youtube.com/peoplefarmproducts। मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि लोग जो और शहरों में हैं इन्हीं रेसिपीज को इस्तेमाल करते हुए अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। खासतौर पे वो लड़कियां जिनको आत्मनिर्भर होने के लिए वो कुछ ढूंढ रही हैं, वो खुद भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो और भी लड़कियों को अपने शहरों में एम्प्लॉयमेंट दे और उनको भी हेल्प करें। इसलिए शिवानी कभी भी अपनी रेसिपीज छुपा के नहीं रखती हैं, वो सबके साथ शेयर करती हैं क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ऑटो को ठंड ना लग जाए इसको भी स्वेटर पहनाया है। और तो वही पपी है जिसका पैर क्रश था जब ये यहाँ पे आया था। पहले हमने सोचा था ना इसका एम्पुटेशन करना पड़ सकता है क्योंकि इसका जो बोन है वो टेढ़ा हो गया है क्योंकि वो काफ़ी पुराना एक्सीडेंट था, लेकिन इसकी हीलिंग काफ़ी अच्छी हो रही है इसलिए हमने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा तो क्या हुआ, एटलीस्ट इसका पैर हम बचा सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया अभी। और ऑटो के चेहरे पे ना एक अलग सा गुरूर है, ये देखो ना, है ना। हमारे साथ पीपल फार्म में एक नए सदस्य जुड़े हैं। मेरा नाम अक्षित गुलेरिया है और मैं धर्मशाला से हूँ। मैं पीपल फार्म में एज अ पैरावेट ज्वाइन किया है। आज ये प्यारा सा छोटू सा बच्चा आया है हमारे पास जिसे वंदना जी लेके आई हैं रेलू से। ट्यूशन के बच्चे आते हैं ना पढ़ने, तो उनको देखा कि एक आंटी थी कोई मार रही थी इसे ना। वो आंटी इसको मार क्यों रही थी? वो उनके गेट के अंदर जा रहा था ना तो मार रहे थे। अगर आपके घर में कोई पपीज आने का ट्राई करते हैं तो आप ये बात समझिए कि इतनी ठंड है, हमारी हालत ख़राब है तो इनकी बेचारों की तो हालत और भी बदतर होगी, तो इनकी हेल्प कीजिए। हो सके तो घर के बाहर एक बोरी बिछा दीजिए ताकि थोड़ा सा इनको वार्मथ मिल सके। मैं हमारे फार्म का आपको एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाली हूँ। ये हमारे जो है ना स्प्रिंकलर्स चल रहे हैं। स्प्रिंकलर्स हम लगाते क्यों हैं, ये किस काम आते हैं फार्म पे? हमने वैसे तो यहाँ पे ड्रिप लगाई हुई है जिसमें ड्रिप टू ड्रिप पानी जाता है, बट यहाँ पे गार्लिक लगा हुआ है जो काफी क्लोज होता है एक दूसरे से, ड्रिप के थ्रू पूरा हो नहीं पाता है पानी, तो अभी फिलहाल हमने स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं ताकि इसको अच्छा पानी मिल जाए। आरती जी जो धर्मकोट में रहती है उन्होंने एक पपी को रेस्क्यू किया, वो अपने लिटर के साथ और उसकी माँ के साथ ही वहीं पे मिली थी, लेकिन उसके कान के पीछे उसे एक चोट लगी थी तो वो उन्हें यहाँ पे ले आई ट्रीटमेंट कराने के लिए। दो दिन में उसका वो घाव भी ठीक हो गया और आरती उन्हें वापस से ले गई है उसके माँ के पास ताकि उसे अपनी माँ का दूध मिले। लेकिन वो चारों ही पपीज अभी फिलहाल अडॉप्शन पे है, तो अगर आप उन्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमें हमारे अडॉप्शन लाइन पे कॉल करिए। राजेश जी ने स्वराज से हमें इस पपी के लिए कॉल किया था। इसका पीछे का पैर बुरी तरीके से क्रश था एक्सीडेंट की वजह से, बहुत ज्यादा गहरा घाव नहीं है इसलिए नॉर्मल एंटीबायोटिक्स और रेगुलर ड्रेसिंग से जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी तक का मेरा सबसे एक्साइटिंग अडॉप्शन रहा है जब निकेत जी आए थे पठानकोट से। वो एक्चुअली आए थे एक डॉग को अडॉप्ट करने, लेकिन उनको पटूरा भी बहुत पसंद आई, उन्होंने दोनों को अडॉप्ट कर लिया। डॉग जितने एक दूसरे के कंपनी में रहते हैं वो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। गुदगुदी जो हमारे पास गग्गल से आई थी उसके पिछले टांगों में मूवमेंट नहीं था, पार्शियल पैरालिसिस हो गया था उसे टिक फीवर के वजह से। यहाँ पे उसकी लगातार ट्रीटमेंट होती रही, उसका हम डेली मसाज करते थे जिससे अराउंड एक से डेढ़ महीने में वो सही से चल पा रही थी और दौड़ भी पा रही थी। और फाइनली हरमनदीप सिंह ने उसे जलंधर से अडॉप्ट कर लिया। जब आप पीपल फार्म से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अडॉप्ट करते हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को स्पेस दे रहे हैं कि वो एक और घायल जानवर को रेस्क्यू कर पाए और उसे ठीक कर पाए। और जब आप अडॉप्ट करते हैं तो आप एक नहीं दो जाने बचा रहे हैं, है ना कर्ली, है ना कर्ली।